हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रमिला। प्रमिला की रेसिपी में फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। तो चलिए करते हैं एक न्यू रेसिपी को स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम ऐसा पराठा जो आपने इससे पहले फ्रेंड्स कभी नहीं खाया होगा, बहुत ही ज्यादा लजीज है, सॉफ्ट है, हेल्दी है फ्रेंड्स ये पराठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज एग पराठे की रेसिपी फ्रेंड्स, जो दिखने में खूबसूरत लगने के साथ साथ में फ्रेंड्स खाने में लजीज, एकदम मुंह में जो पानी आ जाए, बार बार बनाने का मन करे। एग पराठा बनाने के लिए हम 2 कटोरी आटा लेंगे। ये हमने स्मॉल कटोरी आटा लिया है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, मीडियम साइज जो होती है वो लिया हमने। इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम पानी इसमें डालेंगे। 1.5 कप के करीब इसमें पानी लग जाएगा। डेढ़ कप पानी इसमें ऐड हो गया है, डल गया है इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह ऐड करते हैं, 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम ऑयल। आप आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। ये पराठा इससे पहले अपने अभी तक खाया नहीं होगा, अब इसको हम वेरी टेस्टी बनाने के लिए डालते हैं 2 eggs। यहाँ पर हमने eggs को फेंट लिया अच्छे से, बारीक एकदम चॉप किया हुआ डालेंगे हम अनियन, बहुत ही बारीक बारीक काटना है इसमें, हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अगर आप खाते हैं तो ठीक है, बारीक चॉप किया हुआ टमाटर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 pinch डालेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर। एकदम स्मूथ बैटर बनाना है ये, कोई भी इसमें गांठें वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं 1 teaspoon जीरा, साबुत जीरा डालेंगे इसमें हम, जो दिखने में खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसको क्रश करके डालें। देखिए हमारा बैटर अच्छा सा स्मूथ बन गया है। अब चलिए पराठा बनाते हैं। हमने ले लिया एक पैन और इस पर हम ब्रश से ऑयल लगा देते हैं इस तरह से। हमारा पैन गर्म हो चुका है, हम बैटर डालेंगे। मीडियम फ्लेम करेंगे इसमें, गैस को एकदम हाई पे ना करें। पराठे को के हम साइड को चेंज कर देंगे इस तरह से। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये पराठे का कलर आ गया है। ये देखिए पराठा दोनों साइड से अच्छा सिक गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे बन गए हैं एग पराठे, देखिए कितना सुंदर कलर आया फ्रेंड्स। सभी पराठे हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं, हम दिखाते हैं आपको ये कितने ज्यादा सॉफ्ट हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितना सॉफ्ट ये पराठा है हमारा, एकदम लग रहा है ना कितना सॉफ्ट, और वेरी वेरी हेल्दी है फ्रेंड्स ये पराठा। तो आप इसको अपने बच्चे के लिए बनाएंगे एग पराठा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा फ्रेंड्स ये, और इसको आप चटनी के साथ में या किसी भी अचार के साथ में खा सकते हैं, बहुत मजेदार है फ्रेंड्स ये। तो चलिए क्यों ना इस रेसिपी को अपने घर में बनाया जाए, और प्रमिला की इस वीडियो को लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम फिर से आपको मिलेंगे एक न्यू रेसिपी में, तब तक के फ्रेंड्स बाय बाय।